दोस्तों, व्हाट्सएप गाइस। तो यार, आप जैसा कि मुझे जानते हैं, मैंने भी जैन और यू आर वॉचिंग जैन व्लॉग्स। तो यार, जो आज का व्लॉग होने जा रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जो है रमज़ान का 22वां रोज़ है। तो जो है अब मैं वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि पहले मुझे वीडियो बनाने का दिल नहीं तक आ रहा, डिज नॉट मतलब कि जे नहीं था कि वीडियो बनाऊँ, किस चीज़ पर बनाऊँ। तो जो सा है मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। वैसे दिल क्या करना था वैसे जो सा ना। तो गाइस, मुझे जो सा है पहले टाइम कुछ भी कह दो, ठीक है। तो अब जो सा है मैं इधर आऊँ अपनी नानों के घर, और मैंने सोचा इधर ही व्लॉग बना लें, क्या कर जाओ फिर व्लॉग बनाना है। तो मैं अभी इधर कमरे में हूँ, बैठक में हूँ। तो पता है क्यों मैं ऊपर कैमरा करके बना रहा हूँ, क्योंकि लाइट इधर इस तरफ है, मेरे पास इधर कोई लाइट वाला चीज़ नहीं है जिससे रोशनी कर दो, लाइट सीधा आ जाती थी, ठीक है। तो फेस पे पड़ती थी, जिसकी वजह से फेस वाइट था। इधर अंधेरा अंधेरा, नीचे करके बनाऊंगा तो ब्लैक हो रहा है। तो गाइस, ऊपर करके बनाऊंगा तो वाइट जो सा फेस नज़र आ रहा है। तो ऑलरेडी अब जो सा है आज का व्लॉग जो सा हमारा वो है माय डे इन रमज़ान, लाइफ इन रमज़ान लगा लो। तो अभी जो सा है टाइम हो रहा है 2:30 का टाइम है, सहरी का टाम है, और अब हम सहरी करने के, सहरी बना रही है मेरी खाला। तो अब जो है वो सहरी बनाएंगी, हम फिर सहरी करेंगे। तो फिर जो है हम सोए नहीं, सारी रात नहीं सोए, बैठ के गपशप लगा रहे थे। पता है मैं नानू का रहा, तो लगे थे गपशप लगाने। तो अब गपशप लगा के तो उतनी देर में जो है 2:30 बजे हैं, सहरी का टाइम हो गया। तो अब जो है सहरी बना रहे हैं। तो गाइस, जो है मैं और भी जगह पर वीडियो बनाऊंगा। ऑलरेडी हमने इतनी शॉपिंग कर ली हुई है, तो हम इतनी शॉपिंग करके आ गए हैं। मैं घर जाऊंगा, फिर घर जाके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, किस किस चीज़ की हमने शॉपिंग की है, बताऊंगा घर जाके पूरी डिटेल क्यों नहीं बनाई। फिलहाल आज तो जो है इसी बात पर व्लॉग बनेगा। तो अभी जब सहरी बनती है तो फिर हम तब मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। ऑलरेडी गाइस, तो यार जो है सहरी तैयार हो रही है, तो अब बस थोड़ी देर रह गई है। तो पराठे तैयार हो रहे हैं, पराठे आए आए, मज़ा आ गया। तो गाइस, जो है मज़ा आएगा बहुत। अब सहरी थोड़ी देर में तैयार होगी, वो तैयार हो रही है। तो अब हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस, तब तक के लिए आप हमारे वेट करें। और गाइस बाय। A few moments later. Already guys, तो हमने सहरी, हाँ सहरी काट चुके हैं, टाइम ख़त्म हो गया है। तो मैं जो सा हूँ अब वजू करके नमाज पढ़ने जा रहा हूँ मस्जिद में। तो गाइज, वजू करके नमाज पढ़ने लगे, और फिर हम चलते हैं। और फिर यार किधर जाना है, तो हम लेट जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर जो सा है चलेंगे बाजार, बाजार नहीं बट शूज़ लेने चलेंगे। ओके, फुल इंजॉय। तो मिलते हैं फिर नमाज के बाद। ओके फिर बाय। तो गाइस, जो है मैं उठ के आ गया हूँ, तो सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी नींद पूरी हुई है। तो फ्रेश मुँह हाथ धो के मैं चलो वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाने के लिए छत पे आ गया हूँ, और ये मेरे नानों में घर की छत है, और ये सब पीछे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड खेत है।
दोस्तों तो बहुत है छत पे, लेकिन मैंने जो है वीडियो बनाने के लिए छत पे आया हूँ आपके लिए। तो यार जो है क्या बात करनी है, हाँ अब मैं बताता हूँ कि वीडियो जो है मैं क्यों नहीं बना पाया। तो यार काम इतने होते थे कि फुर्सत मिलती नहीं थी। पापा ये एक्चुअली जो है ये मोबाइल होता था ये फ़िलहाल पापा के पास होता था, मेरे पास नहीं था होता। तो पापा लेके जाते थे इसको काम पे और आते थे वापस, बैटरी इसकी नहीं थी होती, 20% 10% की बैटरी हुई होती थी। चार्ज पे लगाता था, चार्ज पे आपको पता ही है फिर मोबाइल फुल होने में 2 घंटे 1.5 घंटे लगा लेते हैं। मैं फिर इतनी देर में एक्चुअली बाइक दोस्तों के पास चला जाता था मिलने के लिए उनसे, तो फिर जब वापस आता था तो फिर बैटरी हुई होती थी, तो शाम भी हुई होती थी, रोज़ा खुलने वाला होता था। तो फिर हम जो है सारी करके मगरब की नमाज़ पढ़ते वहाँ से आता, फिर यार दिल नहीं था करता तो फिर जो है छोड़ देता, अगर नहीं दिल करता था बनाने की। तो अब जो है आज मैंने सोचा कि मैं नानू घर आया हूँ, यहाँ भी आकर वीडियो बना ली जाए, तो यहीं पे मैंने फिर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो जो है अभी 10-11 इतना ही टाइम हुआ है, तो अभी हम थोड़ी देर में जो है वो जाएँगे। पहले मैंने उनको ले जाना अपनी मामा के साथ जाना है खाला घर, वहाँ उनकी कपड़ों की दुकान है ना, तो मैं उनके दुकान के जो है ना वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ भी जाके आप चेक कर लेगा कपड़ों की दुकान है, तो फिर वहाँ पर जाना है हम कपड़े देखेंगे जाके। तो फिर जो है वापस आएंगे और फिर मैं जाऊँगा अपने मामों के साथ शूज़ लेने, और जिस दुकान पे मैंने शूज़ लेने जाना है वो मेरे खालू की दुकान है, तो मज़ा आने वाला है। अभी हम थोड़ी देर में चलेंगे, वैसे यार धूप बहुत है रोज़े में, फिर छोड़ो यार काम तो वैसे फिर करना पड़ता है, भाई रोज़ा रखा हो तो भाई कुछ रखा हो, ये तो नहीं ना रोज़ा रखा हो तो सारा दिन गाड़ी बैठे रहो वेले, ऐसे नहीं होता। तो जो है ना अभी हम थोड़ी देर में चलेंगे, तो आप रेडी हो जाएं। ओके फिर मैं जा रहा हूँ अब नीचे, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ओके मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। हाँ यार मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर टाइम मिला तो फिर मैं जो हूँ अपने नानों में घर के खेत भी दिखाऊँगा, चलेंगे हम खूह पे, ठीक है खूह पे जाके फिर आपको खेत वगैरह दिखाएंगे, वहाँ भी जाकर थोड़ा इन्जॉय करेंगे, और फिर जो है घर चले जाना है हमने, आ जाएँ शायद कल जाएँ कोई पता नहीं। तो जो है मैं बस यही बात कहनी थी और कुछ नहीं कहना था। ओके फिर तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, ये अगर चलो ठीक है यार बाय। ऑलराइट गाइस, तो यार मैं अपने खूह पे आ गया हूँ, उधर मैं वीडियो नहीं बना पाया, उधर से क्यों मालूम लेते हैं सामान वगैरह ठाना था उन्होंने, गंदम जो थी वो तोरों में डालने लगे हैं, बंद करेंगे तोरे, ये सारी में दूर दूर तक खेत ही खेत हैं। और दोस्तों मैं जा रहा हूँ कद्दू काट रहे, कद्दू लेने जा रहा हूँ, तो भाई बहुत मज़ा आता है ऐसे खुद ही तार के लेके जाने में, और बहुत ही जो है ना इंजॉय करते हैं हम जब इधर आते हैं। तो अभी वो हम पीछे इतना खूह छोड़ के आ गया, मैं अभी वापस जाऊँगा तो फिर खूह दिखाऊँगा। अभी ये देखें ये टमाटर हैं पक्के, कोई नहीं कच्चे ही नहीं है, तो अभी कद्दू आ गए हैं, हम आगे जा रहे हैं और फिर आगे से मिलेंगे। अभी वापसी में फिर मैं दिखाऊंगा आपको अपना। नहीं असं आए हाँ सीधा रोटू जा रहे, ये मेरे साथ कल हैं, तो ये बता रहे हैं कद्दू के लगे हुए हैं सीधा रोड। रेडी गाइस, तो हम जो कद्दू के पास पहुंचने वाले, इस वक्त इतनी धूप है यार, इतनी धूप है, बहुत धूप है, तो हवा वैसे चल रही है थोड़ी बहुत देखा गया। तो गाइस वो आगे कद्दू की पहली है, हम पहुंचने वाले हैं, तो यार फिर कद्दू काटेंगे, फिर इसमें डालेंगे और फिर हम काटेंगे बंद गोभी, शायद गोभी पता नहीं क्या जो लगा होगा हम वो काटेंगे और आगे ले जाएंगे घर। हम जो पूछ गए कि अब हम कद्दू जो है वो काटते हैं, मैं कैमरा कहीं सेट कर देता हूँ और कैमरा करते हैं यहाँ पे, फिर मेरे को कैमरा मैं नहीं आ रहा है, ठीक है यार कद्दू काटेंगे फिर मैं बताऊँगा आपको। तो रेडी गाइस, तो यार जो है खाली हाथ वापस जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि कद्दू जो है वो लगे नहीं जी, पता नहीं लगे नहीं है क्या है, मुझे जो वेल मिली है मैंने तो देखा उस पर नहीं लगे हुए। अब जो जाऊँगा उधर खूब पे और फिर जो है कहूँगा कि भाई मुझे कद्दू नहीं मिला, लग के दो मेरे मिल कद्दू मैं। तो जो गाइस वो खूह पे हम खूह आ गया हुआ है, तो अब जा रहे हैं हम खूह पे, यार इतना पसीना आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, पानी की तरह बह रहा है पसीना, दिल करे तो पैलियाँ भर जाएंगी सारी पानी से मेरे पसीने से। तो गाइस पहुँच के बात करते हैं, यार मेरे मोबाइल की बैटरी जो है ना वो चार्ज ही नहीं हो रहा है, 20% ना कट दी है ना, कम हो जाती है ज़्यादा नहीं होती,
बहुत स्यापा है यार, मुझे कहीं भी कोई और चार्जर लगता ही नहीं इस मोबाइल को, वो चार्ज ही नहीं करता, बस मोबाइल का जो चार्जर वो ही चार्ज कर रहा है। ओह बहुत गर्मी है यार, तो खूब अब मैं दिखाता हूँ आपको। वो भैंसे हैं यहाँ पे, पत्थे कुतरते हैं, पट्ठे कुतरते कुतरे जाते हैं। ओए यार मैं तो बड़ा थका हूँ, देखो 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 सारा वो ट्यूबवेल है, ये भैंसी है बच्चा। Ready guys, guys, guys. Guys, तो यार जो है वो मेहताब है, कज़न ही है। तो वैसे रिश्ते में ना मेरी मामा, तो फिर मेरा तो मामा। तो गाइस छोड़ो यार, अब जो है हम कद्दू नहीं लगे हुए, मैंने पूछा मेहताब से तो वो कहता है कि कद्दू अभी नहीं लगे, अब हम जो है बंद गोभी काटने लगे हैं। तो ये बंद गोभी खेत हैं, चलो जी ऐसे फूल। बल्ले ओए बड़ा तरीका है, तू पूरा कारीगर हो गया है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यार, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बताने वाला गया जोर की। तो हमें बड़ा बड़ा फूल मिल गया है, ओके गाइस बाय, फिर हम मिलते हैं ठहर के। मेरे मोबाइल की बैटरी नहीं है इतनी और स्टोरेज भी नहीं है काम है बोरे पर, तो गाइस मिलते हैं ठहर के, ओके बाय। रेडी गाइस, तो यार जो है मैं नानो के घर से वापस आ गया हुआ हूँ, और वापस आए 3 दिन हो गए हैं, और 3 दिन हो गए हैं मैं वीडियो इसलिए आज बना रहा हूँ, सोच नहीं होगी कि भाई 3 दिन हो गए यार तू वीडियो आज बना रहा है। तो यार मैं बताता चलूँ कि मोबाइल मैंने उधर भी बताया था कि मैं मोबाइल में बैटरी से कहा मसला है, उधर चार्जिंग थी और उधर बैटरी बहुत कम थी, मोबाइल ऑफ हो गया था, फिर उसके बाद चल नहीं था रहा, उसके बाद चार्ज नहीं था हो रहा, फिर मैंने मोबाइल वाले को दिखाया, उसने कहा कि इसका जैक का मसला है, फिर जैक 500 का डलना था, तो मैंने सबसे पहले मोबाइल का उसको रिपेयर होने के लिए दे दिया मोबाइल। तो अब जो है मुझे आज मोबाइल मिला है, तो मोबाइल आज मैं मोबाइल वाले से लेके आया हूँ, और आज मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, ये चार्ज पे लगा था 100 हो गया तो मैंने उतार लिया। तो गाइस जो है 3 दिन हो गया है, और कल सबसे मज़े की बात, कल जो है वो ताक रात थी, ताक रात इबादत की रात होती है, और उस रात में कुरान मजीद कुरान पाक ख़त्म किया जाता है नमाज़े तरावी में, और फिर उसके बाद महफिल होती है सारी रात महफिल होती है, तो उसके बाद फिर सहरी करके और फिर नमाज़ पढ़ के और फिर जो है हम आराम करते हैं। तो गाइस जो है मुझे तो बहुत मज़ा आया उधर, तो मैं हर जगह वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मोबाइल का मसला था, तो फिर इसलिए फिर मैं हर जगह वीडियो नहीं बनाया। तो गाइस जो है मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से, तो आज के बाद जो है और सबसे मज़े की बात ईद आ रही है यार, 3 दिन रह गए, तो अगर 29 रोजे हो तो फिर तो 3 दिन बनते हैं, और अगर 30 रोजे हो तो फिर 4 दिन रह जाते हैं। तो गाइस जो है फुल इंजॉय होगा ईद वाले, तो आज की जो सा हमारा व्लॉग था वो हमारा ख़त्म होता है यहीं पे। तो गाइस मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब लाइक कमेंट बेल आइकन को बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। और यार सबसे बोरिंग बात ये है कि बैड न्यूज़ जो सी है वो ये है कि ईद वाले दिन जो है दुकानें सब बंद करने का ऑर्डर है, कि खाने पीने वाली दुकानें भी नहीं खुलेंगी यार, बहुत ही जो सा ना
दुख की बात है। तो ईद वाले दिन जो चले फिर, ओके फिर बाय, आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। ओके बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके गाइस।